हेलो, वेलकम टू वंडरलस्ट। आज वंडरलस्ट के इस एपिसोड में मैं देने वाली हूँ अपनी वैगन आर गाड़ी का फुल रिव्यू, क्योंकि ये मेरी जो वैगन आर गाड़ी है ये है सीएनजी मॉडल। इसका पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है आज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मॉडल में मुझे क्या बेनिफिट्स मिले हैं, इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, एसी की परफॉर्मेंस, माइलेज, सब कुछ बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ इसके प्राइस सेगमेंट में, अगर आपको ये गाड़ी नहीं पसंद आती है इनकेस, तो इस प्राइस सेगमेंट में आप कौन सी 5 गाड़ियाँ ले सकते हो, उन 5 गाड़ियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे इसका क्या माइलेज मैंने उठाया, क्यों मैंने ये गाड़ी खरीदी थी और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस गाड़ी के बारे में क्या है। सबसे पहले मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मुझे इस गाड़ी को यूज़ करते हुए, और उस टाइम में मैंने जो भी चीज़ें फील की हैं मैंने इसे माउंटेन्स पे भी ले जाके देखा है, यानी मैंने हिल स्टेशन पे भी ये गाड़ी चलाई है और प्लेन्स में भी मैंने ये गाड़ी चलाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर की, और जो गाड़ी का एक्सटीरियर है ये बहुत ही ज़्यादा टॉल है। आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट से ये इतना ज़्यादा है, मतलब मेरे लिए तो कोई भी गाड़ी चल सकती थी, पर इतनी ज़्यादा हाइट में ये जो गाड़ी है हमारी, इस पर कोई भी टॉल पर्सन है ना वो आराम से बैठ सकता है। इसमें मिलता है ढेर सारा आपको हेड स्पेस, जब आप बैठते हो सीट्स पे और आपके ऊपर बहुत सारा हेड स्पेस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये एक्सटीरियर है, और अगर मैं एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बात करूँ सामने की, तो सामने आता है ये मैच और ये छोटी छोटी सी हेडलाइट। इसके अलावा मैं आपको इंटीरियर दिखा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। तो इसके बारे में मुझे बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बतानी हैं जो आपको इससे पहले शायद नहीं पता होंगी। तो चलिए मैं आपको अपना इंटीरियर शो करती हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटीरियर पार्ट। तो ये है हमारा कुछ सिंपल सा डैशबोर्ड, बट बहुत ही काम का डैशबोर्ड है, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर ये हमारा गियर है और एसी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गाड़ी में। और ये जो एसी है इसके वेंड आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ दे रखे हैं। ये जो वेंड है ये थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था, क्योंकि ये जो वेंड है ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये कई बार हमारे हाथों पर सीधी ठंडी ठंडी हवा आती है तो वो कई बार परेशान करती है, पर ठीक है, ये थोड़ा फेस पे होता तो ज़्यादा अच्छा था। पर ये कुछ इस तरह का हमारा डैशबोर्ड है, और ये डैशबोर्ड मुझे बिल्कुल बेसिक सा ठीक लग रहा है, क्योंकि इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है माइलेज। तो उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, पर उससे पहले आप देख लीजिए, ये हमारा बेसिक सा डैशबोर्ड है जिसे आप मॉडिफाई भी करा सकते हैं अगर आपकी मर्जी करे तो। अदरवाइज मेरा जैसे भी मुझे गाड़ी कंपनी से डिलीवर हुई है ये बिल्कुल वैसी ही है, मैंने अभी तक मुझे कोई नीड नहीं हुई। एंड यू कैन फाइंड द टच स्क्रीन, अपने बहुत सारे मॉडल्स में ये देते हैं तो वो आप लगवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। अदरवाइज ये जो हमारा सिंपल सा डैशबोर्ड है ये आपने देख लिया, और इंटीरियर में ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, सब कुछ बहुत बेसिक है। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जो इसका जो इस गाड़ी को बहुत टॉल है, चूंकि ये बहुत टॉल है तो ये अंदर से भी आप देखेंगे ना कि मैं बैठी हुई हूँ, और उसके बाद में भी काफ़ी सारा स्पेस है, ये काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। मैं पूरे दोनों हाथों को इस तरह खड़ा कर सकती हूँ, मतलब अच्छा खासा स्पेस। एक छोटा सा बच्चा अगर है तो वो गाड़ी में डांस भी कर सकता है, समटाइम्स मेरी बेटी इसमें डांस करती है तो वो खड़ी हो जाती है, पूरी खड़ी हो जाती है, मैं इसको ऐसे टच कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी टॉल हैं तो वो इसे बहुत ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये टॉल है, एजड पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको उठने बैठने में, तो उनको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, इससे थकान मुझे लगता है कम होती है। और रही बात सीट्स की, तो सीट्स वेरी कंफर्टेबल हैं। अगर मैं बात करूं कंफर्ट की, तो सिटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये जो सीट्स हैं इनकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मुझे बैठने में अभी तक कोई लॉन्ग टूर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये इंटीरियर के कुछ ऐसे बेसिक से फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब तो बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 1.0 का है और एक है 1.2 का, और दोनों ही वेरिएंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो अब बात कर लेती हूँ सीएनजी की। अगर ठीक ठाक प्रेशर होता है तो इसमें 8 किलो के करीब सीएनजी आराम से आ जाती है, जो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देती है। ये करीब करीब आपको 250 किलोमीटर तो पहुँचा ही देती है किसी भी रोड कंडीशन में, तो ये माइलेज के मामले में बहुत बेहतर है। अगर आपका बहुत ज़्यादा आना जाना है, आपका ऑफिस ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स है, आपको जाना ही होता है,
तो आप इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्यूल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है, जिसकी वजह से इस मॉडल को मैंने सिलेक्ट किया था। तो मुझे लगता है ये मेरी उम्मीदों पर खरी है माइलेज के मामले में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई लोग कहते हैं इसकी बिल्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, कई लोग कहते हैं इसका लुक अच्छा नहीं है, तो मुझे इसका लुक ठीक लगता है। मुझे जो मेरी सबकी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें मुझे काफ़ी सारा स्पेस चाहिए था, तो इस गाड़ी में ठीक ठाक स्पेस है। मुझे फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि मैं कितना भी ज़्यादा चलाऊं और मेरी पॉकेट पे लोड ना पड़े, तो पॉकेट फ्रेंडली है ये गाड़ी। और ये जो प्राइस सेगमेंट है, इस प्राइस सेगमेंट में मैं आपको और 5 गाड़ियां बताऊंगी कि आप, अगर आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आती, वैसे तो वैगन आर काफ़ी सारे लोगों की पहली पसंद है और इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकने वाली ये कार है, अगर आपको नहीं पसंद आती है ये कार, तो इसके इस जो प्राइस सेगमेंट में आप क्या क्या ले सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में वैगन आर ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एयरबैग हैं, तो आपको दोनों तरफ एयरबैग मिल जाते हैं दोनों लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है सेफ्टी फीचर में तो इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है, सेफ्टी के हिसाब से वैगन आर बहुत अच्छी है। कई बार लोग इस मिथ में रहते हैं कि ये वाली कार जो है सेफ्टी फीचर के हिसाब से अच्छी नहीं है, तो ये सेफ्टी फीचर के हिसाब से बिल्कुल ठीक कार है। और सबसे बड़ी सेफ्टी जो होती है वो आपके हैंड्स में होती है, जब स्टीयरिंग आपके हैंड में होती है तो आप अपनी ही नहीं बहुत सारे लोगों की सेफ्टी को साथ में लेकर चलते हैं, ये बात मैं कई बार आपको कह चुकी हूँ। तो अगर सेफ्टी की बात आप करते हैं तो सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपने रोड पर और अपनी ड्राइविंग पर फोकस रखना। अल्कोहल लेकर या फिर कोई ऐसी चीज़ लेकर जिससे आपका माइंड बहुत क्विक एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसी कोई चीज़ ना करें गाड़ी के अंदर। गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाएँ, इसके साथ फ़न नहीं करना है, तो वो एक चीज़ है सेफ्टी के हिसाब से। और की फीचर्स मैंने आपको बता दिया, एक्सटीरियर दिखा दिया, इंटीरियर दिखा दिया, परफॉर्मेंस बता दी, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात कर ली, क्योंकि इसका जो माइलेज है वो इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। अगर आप इसे पेट्रोल पे चलाते हैं तो भी आपको 22 का माइलेज आराम से दे देती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इसे सीएनजी पे चला रहे हैं और आप बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये आपको 32 का एवरेज भी दे सकती है, हालांकि 30 का तो दे ही देती है। तो मुझे लगता है माइलेज के मामले में इसकी कोई टक्कर नहीं है। बूट स्पेस काफ़ी जेनरस है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट सेविंग की। तो कॉस्ट सेविंग के मामले में ये गाड़ी का तो कोई तोड़ है ही नहीं, बिकॉज जो हमारा फ्यूल है वो डे बाय डे महंगा होता जा रहा है और सीएनजी इज़ चीपर देन पेट्रोल, तो पेट्रोल से हमेशा ही चीप पड़ने वाली है सीएनजी। सीएनजी वेरिएंट में ये मॉडल सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मॉडल है। अगर आप बात करते हैं कि सीएनजी में और कौन सी गाड़ी ले सकते हैं या उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि कई लोग मुझे पता है बोलने वाले हैं कॉमेंट बॉक्स में टियागो अच्छा है, मैं उन पर भी आऊँगी, मैं उनकी भी बात करूँगी, पर मैं फ़िलहाल अभी वैगन आर का रिव्यू कर रही हूँ। तो वैगन आर जो हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी के बारे में मैं बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं माइलेज से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मुझे हर रोज़ वो जो फ्यूल डलवाने वाला झंझट है वो नहीं होता है, एक बार टैंक फुल करा के मुझे फुर्सत हो जाती है। कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे भी मैं जा रही होती हूँ उस टाइम भी मुझे मिल ही जाता है, सीएनजी हर जगह अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बात अलग है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अभी ना तो मिल पा रही हैं, ना तो वो इतनी एफिशिएंट है, ना ही उनके चार्जिंग स्टेशन हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। सीएनजी हर जगह अवेलेबल है, इवन आप बहुत ही छोटे छोटे शहरों में जाएंगे, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी सी जगह पे भी जाएंगे तो मे बी आपको सीएनजी मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगी तो पेट्रोल पे चला लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो माइलेज तो अच्छा है और इससे हमारा जो कॉस्ट सेविंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं और आप एक अच्छा मॉडल देखना चाहते हैं इस अमाउंट में, तो मुझे लगता है ये जो न्यू वेरियंट है वैगन आर सीएनजी का, ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है, पुरानी वाली से काफ़ी बड़ा भी लगता है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है। चलाने में परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स लोग कहते हैं ना कि ओवरटेक नहीं कर सकते, स्पीड नहीं दे सकते, तो वो सब भी मैंने देखा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसे हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा चलाया, क्योंकि मेरा घर ही हाईवे पे है, मैं निकलती ही हाईवे पे हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं हर दिन हाईवे क्रॉस करती हूँ, वहाँ पर भी मैं चलाती हूँ। 80 तक की स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इवन मैंने इसे 120 की स्पीड में भी चलाया है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि उतनी स्पीड आप ना लें। समटाइम्स कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम स्पीड ले सकते हैं, तो मैंने कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर मैं स्पीड ले सकती थी मैंने इसे 120 की स्पीड में चलाया, और ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मुझे लगा ही नहीं। हाँ, समटाइम्स इसकी जो ये काफ़ी टॉल है तो ऐसा लगता है कि जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी, मुझे लगता है कि जब हम बहुत स्पीड में होते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा सा बैलेंस कम
अच्छा हो रहा है थोड़ा सा, पर बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं आता है, तो आप इससे स्पीड में भी चला ही सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या अभी भी आपको, यानी कि 2024 चल रहा है, ऐसे में भी आपको इस गाड़ी यानी CNG मॉडल के साथ, वैगन आर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो यस, ऑफकोर्स मैं बोलूँगी कि अभी भी आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं, बिकॉज प्रीवियसली टोल्ड यू कि ये माइलेज के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो फ्यूल रेट्स हैं वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा हाइक करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी है, तो आप इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं CNG गाड़ी लेकर, पॉकेट फ्रेंडली है, तो ये गाड़ी तो मुझे लगता है सभी को लेनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर विद दिस वैगनआर CNG टू अदर CNG और दिस प्राइस सेगमेंट के मॉडल्स के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। लेट्स कंपेयर द वैगनआर CNG विथ अदर पॉपुलर मॉडल्स इन द सेम प्राइस रेंज, सच द हुंडई सेंट्रो, टाटा टियागो, रेनॉल्ट किड, डेस्टन गो और मारुति सुजुकी की सेलेरियो, तो उन मॉडल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर आपको ये गाड़ी इनकेस नहीं पसंद आती है तो आप इन गाड़ियों को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी गाड़ियां भी लगभग इसी प्राइस सेगमेंट में हैं, तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हैं। कई लोगों को टाटा पसंद होती, कई लोगों को हुंडई पसंद होती, कई लोग मारुति के इस मॉडल के साथ नहीं जाना चाहते तो वो सेलेरियो के साथ जा सकते हैं, जिनको टाटा पसंद है वो टियागो के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको इसका लुक पसंद नहीं आता, आपको SUV वाला लुक पसंद आता है, तो आप क्विड के साथ भी स्विच कर सकते हैं, क्विड भी एक अच्छी गाड़ी है, या फिर आप डस्टन गो के साथ जा सकते हैं, ये भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके सामने, पर ये CNG नहीं बनाता और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी सब लोगों को पसंद नहीं आती। बात कर लेती हूँ मारुति सुजुकी के एक और मॉडल, मारुति सुजुकी सेलेरियो के बारे में। सेलेरियो जो गाड़ी है वो एक इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, यानी इसके बाद अगर कोई गाड़ी प्रेफर की जाती तो सेलेरियो भी बहुत लोगों को पसंद आती है, तो आप बेशक उसके साथ जा सकते हैं। इसके अंदर आपको CNG वेरिएंट भी मिल जाता है और एक लार्जर केबिन भी मिल जाता है, तो आप सेलेरियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं हुंडई सेंट्रो के बारे में, वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है और काफ़ी सारे लोगों को पसंद आती है, इसी प्राइस सेगमेंट में है वो। सेंट्रो की बिल्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और आप उसके साथ जा सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं उसमें आपको CNG मॉडल नहीं मिलने वाला, तो आपको जो भी पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट्स, एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, उससे मुझे मिलती है ढेर सारी वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन। मेरे वीडियोज़ इतना लेट इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते और पूरा वीडियो ठीक से देखते नहीं हैं, तो पूरा वीडियो ठीक से देखना है और वो ढेर भर भर के लाइक देना है, और साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली में बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और इससे इतना ज़्यादा प्यार दीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो को जल्दी लाने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे, आप जो भी देखना चाहेंगे कॉमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। और अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ड्राइविंग।